आखिर कौन से हो सकते हैं वो पांच चौंका देने वाले किस्से सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करना ना भूलिए। मेरा नाम है गौतम, आप लोग देख रहे हो रेसल इंडिया। चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस पर सर्वाइवर सीरीज के अंदर ज्यादा बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि रोमन रेंस बाहर हो चुके हैं अपनी बीमारी की वजह से, और जॉन सीना बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर। ये देखना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए दिलचस्प होगा कि इस बार WWE क्या करती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। एंड वो हमेशा उनका रिकॉर्ड रहा है WWE का कि वो कोई ना कोई शॉकिंग चीज करती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से होने वाले वो से पांच चीजें जो कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर होंगी शॉकिंग। तो गाइस चलिए मैं पहले नंबर से शुरू करता हूं। एंड पहली चीज जो कि हो सकती है वो है ड्रू मैकइंटायर कर सकते हैं सभी लोगों को एलिमिनेट। जी गाइस, ड्रू मैकइंटायर है रॉ सर्वाइवर सीरीज टीम के अंदर। एंड उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो रोमन रेंस को रिप्लेस कर रहे हैं। एंड गाइस आप लोग जानते ही होंगे कि जो रोमन रेंस थे वो हर किसी को एलिमिनेट कर चुके हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर, एंड ये उनका रिकॉर्ड रहा है। तो गाइस अगर वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर कर सकते हैं WWE स्मैकडाउन लाइव के खिलाड़ियों को एलिमिनेट। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। दूसरी शॉकिंग चीज हो सकती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो है डेनियल ब्राइन कर सकते हैं डिफीट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। जी गाइस आपने बिल्कुल ठीक सुना है, डेनियल ब्राइन कर सकते हैं डिफीट ब्रॉक लेसनर को। एंड मैं आपको बताता हूं वो कैसे कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोगों ने स्मैकडाउन देखी थी तो उसके अंदर देखा होगा आपने कि डेनियल ब्राइन अब बन चुके हैं WWE चैंपियन, एंड वो लड़ेंगे ब्रॉक लेसनर के साथ फॉर द यूनिवर्सल टाइटल के साथ। तो ये वाला मैच होने वाला है चैंपियन वर्सेज चैंपियन। इसके अंदर डेनियल ब्राइन ने किया था स्मैकडाउन लाइव के अंदर एक हील टर्न, यानी कि वो अब एक विलन का रोल प्ले करेंगे। यानी गाइस वो कोई भी पैतरा या टैक्टिक अपना सकते हैं मैच जीतने के लिए, जैसा कि उन्होंने एज स्टाइल्स के साथ किया था जब डेनियल ब्राइन ने एज स्टाइल्स को रेफरी से मरवाया था। तो गाइस यही वो कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ उस मैच के अंदर। तो गाइस ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो कौन सा पैतरा अपनाते हैं ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए। एंड ये चीज हो सकती है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को बहुत सारे सुपरस्टार्स ने नहीं हराया हुआ, सिर्फ कुछ ही नाम ऐसे हैं जो कि हरा चुके हैं ब्रॉक लेसनर को। तो अगर डेनियल ब्राइन ने उनको हरा दिया तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपसेट हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो तीसरी शॉकिंग चीज जो कि हो सकती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो है शिंजुके नाकामोरा का फेस टर्न। एंड गाइस फेस टर्न का मतलब है कि अब वो विलन के रोल से हीरो का रोल प्ले। एंड गाइस अब वो एक अच्छे रेसलर बन जाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे स्मैकडाउन है, स्मैकडाउन के अंदर जितने भी सुपरस्टार्स और चैंपियन हैं वो मोस्टली हील्स है, यानी कि वो बहुत सारे विलन हैं। तो गाइस स्मैकडाउन को चाहिए एक बहुत ही अच्छा हीरो जो कि स्मैकडाउन को आगे बढ़ा सके, एंड वो नाम है शिंजुके नाकामोरा। तो शिंजुके नाकामोरा का मैच है सेथ रॉलिंस के साथ, एंड वो कर सकते हैं एक फेस टर्न, एंड वो हरा सकते हैं क्लीनली सेथ रॉलिंस को, एंड बन सकते हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल हीरो चैंपियन जो कि रन कर सकता है स्मैकडाउन को। तो गाइस चौथी शॉकिंग चीज जो कि हो सकती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो है कौन लेगा जगह बेकी लिंच की। जी गाइस अगर आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ देखी थी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्मैकडाउन लाइव की वुमेन्स टीम जो थी सर्वाइवर सीरीज की, उन लोगों ने इन्वेड कर दिया था WWE रॉ को, एंड उसके अंदर बेकी लिंच को हो गई थी एक बहुत बड़ी इंजरी, एंड इसकी वजह से उनको आउट कर दिया गया है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो गाइस अब ये देखना बहुत ही ज्यादा, एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे स्टोरी लाइन के अंदर क्या होता है, एंड कौन जगह लेता है बेकी लिंच की सर्वाइवर सीरीज टीम के अंदर। तो गाइस नाम तो ये आ रहे हैं कि मैंडी रोज ले सकती है उनकी जगह, पर ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा हम लोगों के लिए, एंड शॉकिंग भी हो सकता है। हो सकता है कोई एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार आ जाए उनकी जगह लेने के लिए। तो गाइस इसके लिए हमको सर्वाइवर सीरीज का वेट करना पड़ेगा। तो आखिरी शॉकिंग चीज जो कि हो सकती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, एंड गाइस ये है बेस्ट फॉर द लास्ट। तो गाइस एक होने वाला है एक बहुत ही बड़ा मेजर रिटर्न। गाइस अगर आप लोग जानते ही हो सर्वाइवर सीरीज की हिस्ट्री, तो गाइस 2014 के अंदर रिटर्न हुआ था स्टिंग का, एंड गाइस इस बार भी WWE कुछ ना कुछ किसी बड़े सुपरस्टार का होने वाला है रिटर्न। हो सकता है गाइस ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी कि CM Punk कर सकते हैं रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के अंदर। एंड गाइस ये बहुत बड़ा, अगर गाइस CM Punk आ जाते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो गाइस वो अरीना पूरी पागल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा ये लोगों के लिए।
एंड अगर कोई दूसरा सुपरस्टार आता है कि जो अभी रिटायर्ड हो चुका है या कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चला गया था, अगर वो रिटर्न करता है तो गाइस ये हो सकता है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो गाइस कमेंट करिए कि कौन से सुपरस्टार आप चाहते हो रिटर्न करे सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए रेसल इंडिया को, एंड गाइस आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो कि रॉ की टीम जीते या स्मैकडाउन की टीम जीते सर्वाइवर सीरीज टीम मैच के अंदर। तो गाइस मेरा नाम है गौतम, आप लोग देख रहे हो रेसल इंडिया।